नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोरोना से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जिसे जानना आज के इस क्राइसिस सिचुएशन में हर एक नागरिक को जरूरी है, जिसे हॉस्पिटल और डॉक्टर पे लोड कम हो और हमारा देश इस महामारी से जल्द उभरे। दोस्तों, हम अपने इतिहास के एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन एक शिक्षित नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कुछ चीजें जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करूं। अभी मैं बात करता हूं बहुत से लोगों से, अपने स्टूडेंट से, तो बहुत के मन में कोरोना और उसके वैक्सीन को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। तो यह जरूरी हो जाता है कि मैं और आप जो इस महामारी के अच्छे से समझ पा रहे हैं उन्हें समझाएं। एक तो देश बुरे दौर से गुजर रहा है और इस समय अफवाहों की कोई कमी नहीं है, तो सबसे पहले हम और आप इन अफवाहों को दूर करने का प्रयास करें। जब पहली वेव आई थी तो कहा गया कि गर्मी में कोरोना मर जाता है, कुछ लोग इसे इंडियन इम्यूनिटी अच्छी है, हमें नहीं होगी, ऐसा भी कह रहे थे, लेकिन इसका नतीजा क्या रहा वो हम देख ही चुके हैं। इस सेकेंड वेव में भी कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही है, जैसे कि कुछ लोग इसे ड्रग कॉन्स्पिरेंसी, कुछ लोग इसे 5G स्पेक्ट्रम से जोड़ रहे हैं, जिसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ लोग मंत्र उच्चारण से कोरोना मर जाएगा की बात कर रहे हैं, तो कुछ इसे बीजेपी फैला रही है और कांग्रेस फैला रही है की बात भी कर रहे हैं। हद तो तब हो जा रही है जब कुछ लोग इसे अभी भी नॉर्मल सर्दी खांसी ही समझ रहे हैं। तो प्लीज इन अफवाहों से दूर रहें, डॉक्टर और कोरोना से जुड़े वैज्ञानिकों की बात पर ही भरोसा करें। खैर, आज जो हमारे वीडियो का मेन फोकस है वो है हम कैसे कुछ जानकारी से हॉस्पिटल और डॉक्टर पे लोड कम कर सकते हैं और वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, कोरोना के लक्षण को आप खुद पहचान कर सचेत हों और खुद को तुरंत सब लोगों से आइसोलेट करें। जैसे यदि आपको बुखार हो और आंख में जलन हो, खाने में स्वाद नहीं आ रहा हो, सीने में दर्द हो, सांस लेने में परेशानी हो और थकावट महसूस कर रहे हो, या लगातार खांसी आ रही हो, डायरिया हो, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और जांच करवाकर खुद को आइसोलेट करना चाहिए। आज इस महामारी का हर घर में फैलने का सबसे बड़ा कारण लक्षण को इग्नोर करना है एवं खुद को आइसोलेट नहीं करना है। रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अगर हम खुद को आइसोलेट करते हैं तो हम अपने परिवार को और दूसरे को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। सबसे बड़ा चेन ब्रेक यही है। यदि आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है और फिर भी कोई लक्षण है तो भी आप कुछ दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट रखें, और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सिम्टम के आधार पर सरकार या डॉक्टर के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए 6M अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें है मिक्सिंग, मेडिसिन, मॉनिटरिंग, मील्स, माइंडसेट एंड मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। मिक्सिंग का मतलब है कि हमें लक्षण दिखने पर घर पे खुद को आइसोलेट करना है, दूसरों से अपने आप को मिक्स नहीं करना है। मेडिसिन का मतलब है कि डॉक्टर के द्वारा बताया गया मेडिसिन को तुरंत चालू कर दें। मॉनिटरिंग के अंदर आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिससे आप अपने आप को इस बीमारी के दौरान मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे शरीर का टेम्परेचर यदि 92-98.6 डिग्री फारेनहाइट की रीडिंग आती है डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करने पर, तो आपको बुखार नहीं है, आपके शरीर का तापमान नॉर्मल है। यदि यह रीडिंग 99.99-100 है तो आपको थोड़ा बुखार है, और यदि यह रीडिंग 100-103 तक है तो आपको ज्यादा बुखार है, आप डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। आप डिजिटल थर्मोमीटर से खुद का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान होता है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर को फिंगर में प्रॉपरली इंसर्ट करें और 1-2 मिनट वेट करें। जब वेव फॉर्म स्टेबलाइज हो जाए तो जो रीडिंग आएगी वो फाइनल रीडिंग होगी। यदि ये रीडिंग 94-100 के बीच आती है तो आपकी ऑक्सीजन लेवल अच्छी है, स्थिति आपकी अच्छी है, घबराएं ना। अगर 94 है तो सामान्य है, अगर 90-93 रीडिंग आती है तो ऑक्सीजन लेवल आपको कम है, आप सेल्फ प्रोनिंग करके इसे मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। और यदि 80-89 आ जाती है, मतलब 90 से नीचे आ जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल
आपका बहुत कम हुआ है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और हॉस्पिटल जाएं, आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। ऑक्सीमीटर में ही हम पल्स रेट भी मेजर कर सकते हैं। पल्स रेट में यदि रीडिंग 72 पर मिनट आती है तो आपका पल्स रेट अच्छा है, यदि रीडिंग 60-80 के बीच में आती है तो पल्स रेट मध्यम है, और यदि रीडिंग 90-120 के बीच में आती है तो आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ है। ये बहुत से कारण से हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आपकी रीडिंग 60-100 के बीच में है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलर इंटरवल पर मेजर कर सकते हैं। इस समय सीटी स्कैन भी मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि आरटीपीसीआर में कभी कभी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है तो लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं। बहुत से डॉक्टरों ने बिना डॉक्टर के सलाह से सीटी स्कैन कराने से मना किया है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर को रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा होता है और भविष्य में कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। वैसे भी सीटी स्कैन को तुरंत कराने से कोई फायदा नहीं है, इसे लक्षण आने के 5 दिन के बाद ही कराना चाहिए, वो भी डॉक्टर के सलाह पर। सीटी स्कैन में जो HRCT स्कोर होता है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। कोरोना से केस में सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर अलग अलग होता है, इसे लेकर आप कंफ्यूज नहीं करें। सीटी वैल्यू जब आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो उसमें साइकिल थ्रेशोल्ड की वैल्यू सीटी वैल्यू कहलाती है, जिसे यह पता चलता है कि वायरल लोड कितना है। अगर सीटी वैल्यू 35 से कम होता है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और अगर ज्यादा होने से रिपोर्ट निगेटिव आती है। लेकिन कुछ लोग इस वैल्यू को सीवीआरटी से भी तुलना करते हैं कि अगर सीटी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो, 15 है, 20 है, तो कंडीशन ज्यादा सीवियर है। लेकिन इस वैल्यू से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बस वायरल लोड बताता है, सीवियरिटी नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड सीटी स्कोर और HRCT स्कोर सीटी स्कैन कराने से पता चलता है। हमारे लंग्स में 5 लोब्स होते हैं, और यदि एक लोब्स पूरा इन्फेक्टेड होता है तो उसे 5 स्कोर दिया जाता है। इस तरह से इसमें मैक्सिमम 25 स्कोर होता है। HRCT का फुल फॉर्म है हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यदि HRCT स्कोर 8 से कम है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, अगर 9 से 18 के बीच में है तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, अगर 9 से 25 है तो सीवियर इन्फेक्शन है। इसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत आपको पड़ सकती है। इसमें स्कोर जितना ज्यादा आएगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लंग्स की उतनी कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं 4M की, जो है मिल्स। सबसे अहम चीज है, इसका ध्यान रखना है। कोरोना संक्रमण के दौरान आपको हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और हाई प्रोटीन युक्त भोजन करना है। प्रोटीन के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय है सोयाबीन। इसके बाद 5th है माइंडसेट। पैनिक ना हो, जिससे स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज ना हो और इम्यूनिटी वीक ना हो, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपने लोगों से बात करें, म्यूजिक सुने, रिलैक्स रहें, यह सबसे ज्यादा कारगर है। फास्ट रिकवरी के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Last M है मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। इसमें आपको पता होना चाहिए कि होम आइसोलेशन को छोड़कर हॉस्पिटल कब जाना है। यदि ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ रहा हो और फ्लक्चुएट कर रहा हो बहुत ज्यादा, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और हॉस्पिटल जाएं। इस 6M अप्रोच से हम खुद को और देश के बाकी लोगों की जान बचा सकते हैं। और हाँ, रेमडेसिविर का उपयोग खुद से ना करें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन क्यों जरूरी है और इसे लगवाने से क्या होगा और हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। दोस्तों, कोरोना अभी पैंडेमिक सिचुएशन में है और इसे एंडेमिक में बदलना होगा। इस बीमारी को अभी समाप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसे कंट्रोल की स्थिति में ला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बीमार उतना ही हो जितना देश का हेल्थ सिस्टम उसे सपोर्ट कर सकता है, और इसके लिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब वायरस नया था तो किसी के शरीर में इसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप नहीं था, बट जैसे जैसे जिनको कोरोना हुआ तो उनके शरीर में इसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप होना स्टार्ट हुआ। पहली वेव में बहुत लोगों को कोरोना हुआ तो उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुआ,
और दूसरी वेव में जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनमें भी एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है। एंटीबॉडी कैसे डेवलप होता है हम पिछले वीडियो में आपको समझाए थे, और ऐसे ही अगर 80% लोगों को एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो 20% लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से डेवलप इम्यूनिटी को हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, पहला इन्फेक्शन और दूसरा वैक्सीनेशन। इन्फेक्शन में यदि सभी 80% WHO के अनुसार 60-70% को भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। जब सभी 80% लोगों को इन्फेक्शन हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, लेकिन सोचिए कि अगर ऐसे में कितने लोगों की जान चली जाएगी और हमारा हेल्थ सिस्टम कितने लोगों को सपोर्ट कर पाएगा। तो दूसरा उपाय है वैक्सीनेशन। इसमें लोगों को फास्ट वैक्सीनेशन कर वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडी डेवलप किया जाए जिससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो दूसरा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और किसी भी देश के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए सभी देश अपने पॉपुलेशन को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने में लगे हुए हैं जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और फर्दर इन्फेक्शन ना फैले। इसराइल ने अपने सभी नागरिक को वैक्सीन के दो डोज लगा दिए हैं और अब वहां मास्क न पहनने की भी इजाजत दे दी गई है। लेकिन हमारे देश में एक और समस्या है, कुछ लोग इस भरोसे में बैठे हैं कि लोग भारत में 80% लोग लगा लें तो 20% में हम आ जाएं और हमें लगाने की जरूरत ना पड़े। तो वैसे लोगों को मैं बता दूं कि हमारे देश में 0 से 18 ईयर के लोगों का पॉपुलेशन 33% है जिनके लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। 18 से 45 वर्ष के लोगों का पॉपुलेशन 42% है और 45 से 60 उम्र के लोगों का पॉपुलेशन 15% है और 60 प्लस वालों का पॉपुलेशन 10% है। तो इसलिए हम दूसरे के भरोसे ना बैठें, 18 प्लस वाले लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लें जिससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो तो हमारे देश में कोरोना को कंट्रोल करने की स्थिति बन जाए। अंत में मैं आपके और हमारे जिम्मेदारी फिर से समझते हैं, वैक्सीन लगवाएं और आसपास के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। यदि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अपने आसपास के लोगों की मदद करने में भी पीछे ना हटें। आप जिसको भी जितनी भी जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं जरूर मदद करें, अफवाह ना फैलाएं और ना फैलने दें, और सबसे जरूरी पॉजिटिव रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।